सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर जो नवंबर 2022 का एग्ज़ाम है उसके एडमिट कार्ड पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दी हुई हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो आई होप आप सभी ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उससे रिलेटेड कोई इश्यू है, तो आप प्रीवियस वीडियो हमारी देख सकते हैं। सो सबसे पहले मैं वन बाय वन आप लोगों को एक एक करके बता देती हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ वही तो आप केयरफुली सुनिएगा। ओके, सबसे पहले आप लोगों को यही बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट हैं वो अपने रिपोर्टिंग टाइम जो भी आप लोगों के एडमिट कार्ड पर मेंशन है उस टाइम तक आप लोगों ने वहाँ पहुँचना है, ठीक है। नेक्स्ट भी आप लोगों को यही बताया गया है कि जब एंट्री क्लोज हो जाएगी उसके बाद किसी भी कैंडिडेट को एंट्री नहीं दी जाएगी, चाहे वो कोई भी एक्सक्यूज़ अपना दे रहा हो या कोई भी रीज़न हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को एंट्री टाइम से पहले ही वहाँ पहुँच जाना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोगों के टाइम तक थोड़ा सा भी लेट हो या किसी भी इशू की वजह से लेट हो और आप लोगों को एंट्री ना मिले, ठीक है। तो टाइम पर रहेगा। नेक्स्ट आप लोगों को क्या क्या लेकर जाना है वो भी बताया है यहाँ पर। सबसे पहले आप लोगों को एडमिट कार्ड लेकर जाना है अपना, वो तो कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके साथ आप लोगों को 2 कॉपीज़ लेकर जानी है अपनी, लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जिससे कि आप लोग मतलब ऐसी फ़ोटो लेकर जानी है जो लेटेस्ट हो, जिसमें आपका चेहरा पहचान आ रहा हो। ऐसा ना है कि 10th और 12th की DMC में जिस टाइम की फ़ोटोग्राफ है आप लोगों के घर पे वही पड़ी है पुरानी, तो वही लेकर जा रही हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जिसमें हमारा चेहरा पहचान में आ रहा है वो वाली फ़ोटोग्राफ लेकर जानी है और 2 लेकर जानी है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर एक और बात ध्यान से सुनिए कि अगर हमें 2 कॉपी बोली है ले जाने के लिए तो हम 2 ही लेकर जाएंगे। आप 3 या फिर 1 या फिर 5 इस तरीके से एक्स्ट्रा नहीं रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर जाके वो सीधा डस्टबिन में जाता है, ठीक है। तो जितना बोला है, जो बोला है, जैसे बोला है, सिर्फ वही लेकर जाइए, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आप लोगों को बोला है कि एक आईडी प्रूफ लेकर जाना है आप लोगों ने, जिसमें आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ और आप लोगों की फ़ोटो क्लियरली मेंशन हो। अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लोगों को बोला है ओरिजिनल आप लोगों का आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आप लोगों की फ़ोटो क्लियर हो। जैसे कि आप लोग पासपोर्ट साइज अपना पासपोर्ट ले सकते हैं, आधार कार्ड ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, या फिर इस तरीके का कोई भी आप डॉक्यूमेंट कैरी कर सकते हैं। अगर आप लोग सर्विस मैन हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप लोगों को जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आई कार्ड इशू हैं वो ले सकते हैं। अगर आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल स्टूडेंट हैं तो आप अपने आईडी कार्ड जो आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं वो ले सकते हैं। आप वोटर आईडी कार्ड ले सकते हैं, पैन कार्ड ले सकते हैं, इस तरीके से कुछ भी डॉक्यूमेंट आप लोगों ने लेकर जाना है। नेक्स्ट आप लोगों को क्या बताया गया है, यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान से सुनिए कि अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ले रहे हैं जिसमें आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, सिर्फ फ़ोटो है, जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ, कोई भी डॉक्यूमेंट आप कैरी कर सकते हैं जिसमें आप लोगों अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है, सिर्फ फ़ोटो है, तो आप लोगों ने क्या करना है, 10th या 12th की DMC हो गई या फिर इसी तरीके से कोई भी DMC आपके पास है या कोई भी ऐसा अदर प्रूफ है जिससे आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ मैच होती है अपने एडमिट कार्ड से, तो वो आप लोग साथ में लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप लोग क्या है, ये ऑप्शनल दिया गया है कि अगर आप लोगों के पास नहीं है कोई भी ऐसा प्रूफ जिसमें आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ और फोटो साथ में हो, तो आप लोगों को यहाँ पर ये ऑप्शन दिया, बट आप लोग वही प्रूफ लेकर जाइएगा जिसमें आप लोगों का दोनों साथ में हो, ठीक है, क्योंकि जितना कम सामान हो सके उतना ही हमें कैरी करना है। उसके बाद एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जा सकते हैं, जैसे कि कोई भी उसमें कलरफुल या फिर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डिजाइनेबल बहुत सारे वाटर बॉटल आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी कैरी नहीं करना है, सिंपल एक वाटर बॉटल लेकर जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया आप लोगों को, उसके बाद आप लोगों का जो मतलब कि एग्ज़ाम सेंटर में जब आप जाएंगे तो आप एग्ज़ाम से पहले लीव नहीं कर सकते हैं, आप वहाँ से जा नहीं सकते हैं। अगर आप किसी भी कारणवश वहाँ से बाहर जाते हैं तो आप लोगों को वापस एंट्री नहीं दी जाएगी। और इसी तरीके से आप लोगों का बताया गया कि कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गया, ब्लूटूथ हो गया, कुछ भी इस तरीके से आप अंदर नहीं लेकर जा सकते हैं, तो कुछ भी इस तरीके का नहीं लेकर जाइएगा। और अगर आप लोग मोबाइल फ़ोन्स या कुछ लेकर भी जाते हैं तो साथ में कोई ऐसा लेकर जाइएगा जो वहाँ पर उन चीज़ों को संभाल सके, क्योंकि उनके सेंटर की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, वो पूरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। वहाँ पर आप लोग कहीं रख भी देंगे तो हो सकता है वहाँ पर आप लोगों को कुछ पैसे देने पड़े, उसके बाद भी वो गारंटी नहीं देते हैं कि अगर चोरी हो गया तो उनकी गलती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, गर्ल्स के लिए है कि यहाँ पर और बॉयज़ के लिए भी है कि ब्रेसलेट जो होते हैं और गर्ल्स के इयरिंग जो हैं या फिर कोई कड़ा है या फिर कोई नोज पिन है, इस तरीके का कुछ भी कैरी नहीं करके लेकर जा सकते हैं। आपने कुछ भी इस तरीके का पहना हो तो घर पर ही सेफली रख कर आए, ओके। उसके बाद क्या है, आप लोगों को नेक्स्ट बताया गया है कि पेन और पेपर ये मोस्ट
इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों के बहुत से डाउट रहते हैं कि पेन और पेपर हम कहाँ से कैरी करेंगे जो हमें रीजनिंग के क्वेश्चन करने होंगे, तो वो वहीं पर आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब यहाँ पर आप ये भी मत करिएगा कि आप लोग पेन लेकर जा रहे हैं, अपने मास्क लेकर जा रहे हैं अपने, क्योंकि वहाँ पर वो सब कुछ डस्टबिन में चला जाएगा स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो वो सब कुछ आप लोगों को वहीं से प्रोवाइड करवाया जाएगा, आप लोग ना मास्क लेकर जाइएगा ना ही आप लोग पेन पेपर कुछ भी अपने साथ नहीं लेकर जाइएगा। वहाँ सिग्नेचर भी करनी है तो उसके लिए भी आप लोगों को वहाँ से पेन दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, एक और पॉइंट है यहाँ पर कि आप लोगों का यहाँ COVID-19 डिक्लेरेशन का कहा गया है, ठीक है, वो भी अपनी खुद की हैंडराइटिंग में और विद लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। तो इसमें क्या है आप लोगों का, जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा COVID-19 के बाद में, मतलब थोड़े टाइम बाद आप लोगों के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें आप लोगों का COVID-19 डिक्लेरेशन मांगा गया था, तो उसमें क्या है आप लोगों के साथ में एक फॉर्म भी दिया था, बट यहाँ पर क्या है एडमिट कार्ड के साथ कोई भी डिक्लेरेशन नहीं दिया है। लास्ट टाइम जब था तो डिक्लेरेशन दिया गया था, एडमिट कार्ड के साथ ही देते थे तो वहाँ पर हम फिल करके दे देते थे, बट यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिया है। तो अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी रहती हैं, देखिए कि पहला तो क्या है, आप लोग गूगल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर फर्स्ट में ही डालेंगे SSC डिक्लेरेशन फॉर्म COVID-19 करके तो वहाँ पर आ जाएगा। मैं आप लोगों को एक बार फॉर्मेट दिखा देती हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पर ये देख सकते हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, दोनों में ही है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये फिल करना है, अपनी हैंडराइटिंग में करना है और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इसमें लगाना है, ठीक है। परीक्षा का नाम, परीक्षा की तिथि और जो आप लोगों का शिफ्ट है, आप लोगों का रोल नंबर है, नाम है, वो सब यहाँ पर पूछा गया है। बट क्या है ये मैं अलग से आप लोगों को डाउनलोड करके दिखा रही हूँ, एडमिट कार्ड के साथ नहीं आया है, ठीक है। अगर एडमिट कार्ड के साथ आता तो वहाँ वो कंपलसरी होता, बट क्या है ऐसा भी है कि हो सकता है वहीं पर हम लोगों का ये जो ये फॉर्मेलिटी है हमारी वहीं पर पूरी की जाए, तो ऐसा नहीं है कि ये आप लोगों को घर से कंपलसरी है, लेकर जाना ही है। बट एज अ सिक्योरिटी आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि गूगल से डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट लेके उसको फिल करके साथ में रख सकते हैं, अगर वहाँ मांगा गया तो वो दे सकते हैं आप लोग, अगर नहीं मांगा गया तो वहाँ पर क्या है कुछ इश्यू नहीं हो सकता, ठीक है। वेस्ट हो जाए वो ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में क्या है कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लेकर नहीं गए और अब हमें एग्ज़ाम नहीं देने दिया जा रहा है, तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये पॉइंट रख सकते हैं। अदरवाइज़ कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है आप लोगों का, बस ये बताया गया है कि आप लोगों का थंब इम्प्रेशन क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के जो भी फॉर्मेलिटी रहेंगी वो वहाँ पर कंप्लीट कर दी जाएंगी, ठीक है। कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और ये जो डिक्लेरेशन है ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, एक ही शीट पर आप लोगों को दोनों मेथड के मिल जाएंगे। तो इंग्लिश में भी आप लोगों को सेम इसी तरीके से करना है, अपना नाम लिखना है, एग्ज़ाम डेट लिखनी है, एग्ज़ाम का नाम लिखना है, शिफ्ट लिखनी है, वेन्यू लिखना है जहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम है, और उसके बाद अपने सिग्नेचर करने हैं और लेफ्ट थंब का इंप्रेशन, ठीक है। बस इतना ही, उसके अलावा कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया, जो भी इंपॉर्टेंट था हमने डिस्कस कर लिया है। अगर इसके बावजूद भी कुछ डाउट रहता है तो यू कैन कमेंट बिलो। एंड आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।